चार दिन बाद रक्षाबंधन है, आप राखी लेके जाइए और हमारे बारे में सब कुछ बता दीजिए। गार्ड? यस सर। इन्हें नहीं पता था कि हम आपके जीजाजी हैं। कौन है ये? मेरी हैसियत इस घर में घुसने की नहीं है। क्यों, क्या हुआ जीजाजी? आपके पास इस जमीन के अलावे और कुछ नहीं बचा है। अरे जीजाजी आप आइए। खुश रहिए, खुश रहिए। आइए आइए, बैठिए। कहाँ है मेरा बॉस? वो तो आज सुबह ही किसी जरूरी काम से फैक्ट्री चले गए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चार दिन बाद रक्षाबंधन है, आपकी दीदी ने साहेबजादे के लिए मिठाई और राखी भिजवाए हैं। क्यों, इस बार दीदी नहीं आएगी? नहीं, कुछ दिनों से उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसी कारण वो नहीं आ पाएगी। और आपका अभी पैर कैसा है? मुझे क्या होगा, बस चल लेता हूँ। वैसे कब तक आएगा मेरा बॉस? आ जाएंगे, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं फैक्ट्री ही चला जाता हूँ, जरा देखूँ तो मेरे साले साहब ने कितनी तरक्की की है। इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और उनके लिए सरप्राइज भी हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, अभी तो आए हैं, कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे कोई बात नहीं, मैं साहेबजादे से मिलकर आता हूँ, टेंशन मत लीजिए, खाना खाकर ही जाऊंगा। ठीक है, तो मैं खाना बना के रखूंगी। ठीक है। हेलो भाई साहब, किससे मिलना है? तुम्हारे साहब से मिलना है मुझे, इस फैक्ट्री के मालिक से मिलना है। कौन, मुकेश सर से? हाँ। इधर आइए। बैठ जाइए। लीजिए, इंट्री कर दीजिए। मुझे इंट्री करने की क्या जरूरत है, ये फैक्ट्री तो मेरे साले साहब की है। जाओ उनको बोलो, उनके जीजाजी आए हुए हैं। आपको इंतजार करना पड़ेगा, जरूरी मीटिंग में सर व्यस्त हैं। जी ठीक है। अरे ओ साले साहब, क्या हाल है? ये आपका गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। गार्ड? यस सर। अरे डांटिए मत, इन्हें नहीं पता था कि हम आपके जीजाजी हैं। कौन है ये? ये तो बता रहे थे आपके जीजाजी हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति रोड पर से उठकर आएगा और बताएगा मेरा रिश्तेदार है और तुम मान लोगे। अरे इसे देखो और मुझे देखो, कैसे लगता है ये मेरा रिश्तेदार है? क्या आदमी हो यार, चलो इसे मेरी नजरों से दूर करो। चलिए भाई साहब, खामखा आपके कारण सुनना पड़ गया। सॉरी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठा के। मिलते हैं श्योर नेक्स्ट मीटिंग में। नाइस टू मीट यू। मी टू। गार्ड इनको छोड़ दो, आइए। मिलिए इनसे, आइए। आपको क्या हुआ? मेरी हैसियत इस घर में घुसने की नहीं है। क्यों, क्या हुआ जीजाजी? कुछ नहीं, मुकेश आए तो उसको बोल दीजिएगा, उसकी दीदी काफी दिनों से बीमार है,
उसे बहुत याद करती है। ये कुछ मिठाई और राखी उसके लिए भेजी थी। रहने दीजिए, शायद इसका भी जगह इस घर में नहीं है। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं, अब चलते हैं। लेकिन खाना बन गया था। अब पेट भर गया। जीजा जी सुनिए तो सही। आप मेरे बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया है। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है। आप राखी लेके जाइए और हमारे बारे में सब कुछ बता दीजिए। और देखिएगा, वो सुनेगा तो दौड़ा भागा आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी यही सही लगता है। देखते हैं। समय का भी खेल बहुत अजीब है शांति। कभी मैं राजा था लेकिन आज रंक हूँ। फिर भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एक ग्लास पानी ले आना। लाती हूँ। तुमने जीजा जी को कुछ कहा क्या? अरे यार, मतलब वो यहां भी पहुंचकर उल्टी कर ही दिए। गांव के लोगों को कॉमन सेंस नहीं होता है। मतलब कौन कहां खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कुछ पता नहीं। बस मेला थाला, ये कोई तरीका है? तुम कभी नहीं बदलोगे। ये जो एटीट्यूड और पैसों का घमंड दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं दीदी का देन है। तुम कैसे भूल सकते हो? ये मत भूलो तुम, दीदी ने अपना कंगन बेच के तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे, जिससे आज तुम यहाँ हो। मैं कुछ भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है। इस बार जब दीदी रक्षाबंधन पर आएगी तो उनको 2 लाख रुपए के साथ साथ 2 कंगन देने की जो मैंने कमिटमेंट की थी वो भी दे दूंगा। दीदी इस बार यहाँ नहीं आएगी, उनका बहुत तबीयत खराब है, इसलिए तो जीजाजी राखी लेके आए थे। अरे कभी तो आएगी ना, दे दूंगा, कौन सा भागा जा रहा हूँ मैं। रिश्तों का महत्व सिर्फ पैसों से नहीं होता, कुछ चीजों को देखना और समझना भी पड़ता है। जीजाजी बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। जितना खुशबू अपने आप को दिखा रहे थे उतना खुशबू थे नहीं। उनकी टूटी हुई चप्पल, पुराने गंदे कपड़े बहुत कुछ बता रहे थे। तुमने उनको गौर से देखा? किस बात की सबसे ज्यादा उनके चेहरे पर खुशी थी? अरे यही ना कि उनका साला बहुत बड़ा आदमी बन गया है और तुमने उनको बेवकूफ समझ लिया। जो आदमी बिना महंगी मिठाइयों के हमारे घर नहीं आते थे, आज उनके हाथ में एक छोटा सा मिठाई का डब्बा था, जो दीदी हर साल रक्षाबंधन में किसी भी परिस्थिति में हमारे यहाँ आती थी, वो इस बार नहीं आ रही है। आखिर क्या वजह हो सकती है, हमें पता करना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इतनी गहराई तक सोच ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। मुझसे क्या माफी मांगते हो? माफी मांगना है तो जाके दीदी और जीजा जी से मांगो। चलो। कहाँ? दीदी और जीजा जी के पास। एक बार फिर से सोच लीजिए, आपके पास इस जमीन के अलावे और कुछ नहीं बचा है। आपके पिताजी कहीं मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपने इनका सारा जेवर एक एक करके मेरे पास गिरवी रख दिया है। यही बात मैं इनको भी समझाती हूँ। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। पहले भी मेरे कारण सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब ये जो आखिरी जमीन बचा है ये भी चला जाएगा। तुम चुप रहो, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है मेरे पास ठाकुर साहब।
इसकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। बस इसका एक बार ऑपरेशन हो जाए फिर सब कुछ सही हो जाएगा। जहां तक बात रही पैसे की, वो देखा जाएगा। लेकिन आप जमीन बेचकर जाएंगे कहां? बस जहां नसीब ले जाए। जैसी आपकी इच्छा। जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो लीजिए, दोनों आदमी साइन कीजिए। रुक जाइए ठाकुर साहब, एक भाई के रहते ये दिन देखने की नौबत नहीं आएगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम तक घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। ठाकुर साहब, आपका जो भी हिसाब किताब है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है। सबसे पहले तो दीदी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, और पैसे की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। तुम्हारे भाई ने बहुत रुपया कमाया है। मैंने बोला था मेरा साला नहीं बदला है। क्या मैंने बोला था? मैंने बोला था मेरा थाला नहीं बदला है, ये कोई तरीका है? अरे गले मिलिए जीजा जी। सिर्फ राखी बंधवा लेने से ही रक्षाबंधन पूरा नहीं हो जाता। बहनों के सुख दुख में काम आना भी रक्षाबंधन का ही एक हिस्सा है। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू।